नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एस एस सी अड्डा ट्वेंटी स्वागत करता हूं आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए फिर हम लोग आज के इस सेशन को आज की इस एम की पहली क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे आप सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे और सेशन को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक एसएससी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोग को हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं आप लोग अगर चाहते हैं रेगुलर इसी तरीके से तैयारी करना तो एक बजे से लेकर दोपहर एक बजे से लेकर और शाम के पांच बजे तक लगातार आपके एसएससी एमटीएस जी कि क्लास आप लोग के लिए चलाई जा रही है और ये चलेगी एस एस सी एम टी एस की ये जो आपकी क्लास है ये लगातार आपकी क्लास चला करेगी अब से बस आप सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने सारे ग्रुप्स में अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें इस क्लास की एक एक इंफॉर्मेशन मिल सके और वो पहले दिन से जैसे कहते हैं ना कई बार क्या होता है कि अगर हम पहले दिन ना पहुंचे तो हमें बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाती हैं तो हमारे से वो कोई भी एक जानकारी छूट ना जाए इसलिए आप सभी लोग सेशन को एक बार क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए मैं भी बस एक सेकेंड लूंगा आप लोगों का और मैंने भी सेशन को शेयर कर दिया है आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जिससे हम लोग क्लासेस को बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकें ठीक है चलिए डन है चले वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून आज आप लोग देखो पहली क्लास है आपने थंबनेल पर इंट्रोडक्शन देखा है मैं आपका पांच मिनट लूंगा और कुछ शॉर्ट में चीजें बताऊंगा उसके बाद हम धुआंधार तरीके से पहले ये देखेंगे आज की जानकारी में कि हमारा किस तरीके का पेपर का पैटर्न रहा है देन उसके बाद आपने मुझसे डिमांड की है कि सर हम टॉपिक वाइज चीजों को लेकर चले पूरी कोशिश रहेगी और टॉपिक वाइज आपको एक एक चीज क्लियर कराऊंगा ताकि आप लोग जब एम का पेपर देने बैठो तो इतना 25 कर करनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हैं ना अपने मेरिट अपने मार्क्स को ज्यादा करना तो रीजनिंग के 25 में से 25 नंबर ही लाना पड़ेगा वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल राधे राधे राम राम और शस्त्रियल ठीक है चलिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे देखिए कुछ लाइने हैं आप लोग के लिए कभी कभी किसी के जुनून को देखकर कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है आपने देखा होगा ना हम मोटिवेशन क्यों देखते हैं हम मोटिवेशन वीडियोस क्यों देखते हैं क्योंकि आपको पता है मोटिवेशन वीडियोस से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है इसीलिए हम लोग मोटिवेशन वीडियोस को देखते हैं ठीक है ना चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा देखिए कुछ छोटी सी आ, आपके लिए शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देखो आप लोग को पता है एसएससी एमटीएस की जो डेट शीट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल रात आपका साढ़े ग्यारह बजे के आसपास का फॉर्म आया है आप सभी लोग बिना लेट किए हुए इस पूरे के पूरे फॉर्म को आज ही जाके भर दीजिए और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है मैंने एक वीडियो बनाई है एम टी एस में uh, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है उस वीडियो को देख लो तो आप सारे डॉक्यूमेंट पहले इकट्ठा कर लो और उसके बाद खटाक से सारे लोग फॉर्म भर दो hmm? तीस तारीख लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने की दो मई लास्ट डेट है ठीक है अब इन सारे मुद्दों पे तो हम आ गए अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती होती है कोशिश ये करना गलती मत करना क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं ठीक है थीके? तो ये पांच तारीख से नौ मई तक विंडो खुलेगी आपकी और आपका जो एग्जाम होना है वो किस मंथ में होना है बेटा जुलाई 2022 में आपका एग्जाम होगा आपके पास पूरा का पूरा देखो अप्रैल है मई है और जून है तीन महीने पूरे हैं नब्बे दिनों की तैयारी आपके पास होगी और आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो ठीक है ना चलिए अब आप लोग को देखो एक पता है एक यहां पर जो थोड़ा सा मैं आज सुबह से देख रहा हूं Uh, कई जगह से मैंने देखा कि थोड़ा सा आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को आप सही करिएगा देखिए आपके चार सेक्शन है बिल्कुल सही बात है ठीक है पच्चीस पच्चीस नंबर के हैं और जिनमें पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन आएंगे यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बेटा एक क्वेश्चन जो आपका है एक जो क्वेश्चन है वो एक नंबर का ही है ठीक है एक क्वेश्चन कितने नंबर का है बेटा एक ही नंबर का है लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितना है बेटा 90 मिनट है इस बात का ध्यान रखना क्योंकि कहीं पर मैंने सुना कहीं पर देखा के 60 मिनट बताया जा रहा है जो कि गलत है बेटा 60 मिनट जो है आपको समय मिलता है सीजीएल और सी एच एस एल में साठ मिनट का जो समय है वो आपको किस एग्जाम में मिलता है बेटा तो 60 मिनट का जो समय है वो सीजीएल मिनट आपको किस में मिलते हैं बेटा सीजीएल और सी एच एस एल के पेपर में लेकिन एम टी एस और जी डी में आपको नब्बे मिनट दिए जाते हैं पेपर को करने के लिए हाँ बेटा यह क्लास डेली ये क्लास आप लोग की डेली YouTube पर चलेगी ये क्लास डेली YouTube पर आपकी इसी टाइम पर डेली YouTube पर दोपहर दो बजे आप लोग की रीजनिंग की क्लास होगी दोपहर दो बजे आपकी किसकी क्लास होगी बेटा रीजनिंग की क्लास होगी दोपहर दो बजे आप लोग की रीजनिंग की क्लास हुआ करेगी डेली बेसिस पे ठीक है ना हाँ ठीक है अब आपके पास यहां पर दो एज कैटेगरी होती है एक 18 से 25 होती है बेटा और एक होती है 18 से 27 आप बिल्कुल देख लीजिएगा और आप किस एज ग्रुप में या किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं उस फॉर्म को देखकर आज ही फॉर्म भर दीजिए सारे लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे आप सभी लोग को राधे राधे राम राम और सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जिन लोगों ने लाइक नहीं किया क्लियर है हां बेटा दीक्षित कार्तिक सभी लोगों को ठीक है चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करें आज के सेशन को एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि जो ये ब्रीफ में मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी या आपने समझ ली तो हम आगे बढ़ें हाँ, बिल्कुल सिलेबस भी लाया हूं मैं पूरा सिलेबस होगा जी अब आते हैं हम अपने रीजनिंग के सिलेबस पे हम आते हैं अपने रीजनिंग के सिलेबस पे जो कि आपका 25 मार्क्स का है जो कि आपका 25 नंबर का आपका पेपर है तो हां बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग यस बेटा एक क्वेश्चन आपका है इसे मैं क्लियर कर दूं आपका टू फाइव मार्क्स की होती है अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो पॉइंट टू फाइव मार्क्स और मैं आपको एक चीज बताऊं अपने दिमाग में टारगेट सेट करो आपके माइंड में क्या सेट होना चाहिए बेटा एक टारगेट और टारगेट होना चाहिए एटी फाइव प्लस मार्क्स 85 प्लस मार्क्स इस टारगेट को अपने दिमाग में रख लो और एक बहुत अच्छी बात बताऊं पहली बार एस एस में हवलदार की जो वैकेंसी है वो इंट्रोड्यूस की गई है पहली बार और वो पहले से ही बता दी गई है कि छत्तीस कुछ पोस्टें आपकी पहले ही दिन एस ने डिक्लेयर कर दिया अभी एम की पोस्ट नहीं बताई है समझ गए इसका मतलब ये मान चलो कि सात आठ हजार पोस्ट होने वाली है इस बार एम के एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना चलो अब यहां पर ध्यान से देखना यहां पर अब देखो आपके पास नंबर अल्फाबेटिकल सीरीज इससे आप लोग के पेपर में ये मान के चलो कितने क्वेश्चन होंगे दो क्वेश्चन तय है दो से तीन मान के चलो क्योंकि नंबर सीरीज के दो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार अगला देखो कोडिंग डी कोडिंग का भी दो क्वेश्चन तय है उसके बाद एनाली का दो क्वेश्चन तय है ऑड वन आउट इसी को हम क्या कहते हैं बेटा क्लासिफिकेशन भी कहते हैं क्लासिफिकेशन भी कहते हैं हाँ, या एनॉलॉगी को समरूपता के नाम से हिंदी में जाना जाता है इसका नाम हिंदी में क्या है बेटा समरूपता इस क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा तो क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा तो इसे वर्गीकरण कहते हैं अलग वाला छांटो ये वाला क्वेश्चन आपको देखा होगा ना मैं बहुत बताता हूं आप लोग को सिलोलिज्म न्याय निगमन वही कुछ कुत्ते बिल्ली कुछ गधे घोड़े इसके भी आपके कितने दो क्वेश्चन तय डायरेक्शन सेंस का एक क्वेश्चन तय है रैंकिंग का एक क्वेश्चन तय है उसके बाद ब्लड लेशन का दो क्वेश्चन तय है उसके बाद मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन तय है उसके बाद नॉन वर्बल में देखो पेपर फोल्डिंग है पेपर कटिंग है वाटर इमेज मिरर इमेज इससे ये मान के चलो कि दो से तीन क्वेश्चन इससे भी आएंगे हाँ उसके बाद देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने वो बॉडमास का नियम नहीं लगाते हैं बॉडमास का नियम वाला बॉडमास का नियम वाला जो होता है यहां पर हम बॉडमास के नियम वाले क्वेश्चंस को करते हैं बॉडमास का नियम क्या कहता है आप सब लोग को पता होगा जी के ब्रैकेट ऑफ डिवीजन यानी भाग मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा एडिशन मतलब जोड़ और सब्सन uh, मतलब घटाना ठीक है और अगला है वर्ड ऑर्डर असेंडिंग टू द डिक्शनरी आपने देखा हो ना वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, शब्द दिए होंगे आपसे बोलेगा इसको शब्द कोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए ठीक है ना और इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ बताऊं तो यहाँ फिगर काउंटिंग का भी आपका एक टॉपिक है फिगर काउंटिंग का टॉपिक है वो भी आता है साथ ही साथ मैं बोलूं वेन डायग्राम आपने टॉपिक सुना होगा ना वेन डायग्राम वेन आरेख जिसे हम लोग कहते हैं वेन आरेख जिसे हम लोग कहते हैं इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए विशाल बेटा सभी लोग पढ़ाई करेंगे सारे लोग क्लास करेंगे तब तो मजा आएगा ना हाँ क्लियर है चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करें अब सभी लोग बताइए सिलेबस भी बता दिया सब लोग तैयार हैं तो मैं आज आपके सामने पहले मैं एमटीएस का एक पेपर का लेवल आपको दिखा दूं फिर कल मैं लेकर चलूंगा आप लोग के लिए टॉपिक से और टॉपिक से भी शुरुआत कौन से करूंगा ऐसा टॉपिक लेकर चलूंगा जिससे आपके दो क्वेश्चन तय है आपके एग्जाम में और इसमें जितना एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं ना आपको मैं करके दिखाऊंगा जी बेटा बिल्कुल 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 ये सारी क्लास फ्री है और डेली चलेंगी तैयार करेंगे चलिए तो चलिए आज का पहला प्रश्न और खूनी रिश्ता ब्लड रिलेशन पहला क्वेश्चन है आपके सामने लो आपको 20 सेकंड का मैं एक टाइमर भी दे रहा हूं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करेंगे मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा कि कैसे इसकी अप्रोच होगी किस तरीके से इसका आंसर आएगा बिल्कुल बेटा सभी लोग एम के क्लासेस बेटा हाँ जी मिस काजल रॉय सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग नवनीत सागर सूरज अनु आहा अकस्ता दीक्षित हाँ जी चलिए रोशनी बहुत सही आप सभी लोग शेयर करते जाइए सेशन को और जोड़ते जाइए चलिए पहला क्वेश्चन है अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए आप बताइए सब लोग कोशिश करेंगे फिर मैं आपको अप्रोच करने का तरीका बताऊंगा बोला एक महिला की ओर इशारा करते हुए साइमन ने कहा कोई एक लेडी है तो देखो लेडी है तो महिला आप चौथ इसको लिख लो एक महिला की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा बेटा साइमन ने कहा है। और देखो आ, मैं आपको जिस तरीके से चीजों को बताऊंगा आप उसको उस तरीके से नोट डाउन करते चलना ठीक है चलिए वह मेरे पिता आ, साइमन ने कहा उस महिला वह मेरे पिता वह मेरे पिता की इकलौती बहन मेरे पिता की इकलौती बहन बोले तो साइमन की बुआ जी साइमन की कौन हो जाएंगी बेटा बुआ जी मेरे पापा की इकलौती बहन यानी मेरी बुआ जी बहन की बेटी है इसका मतलब मेरी बुआ की बेटी यानी मेरी क्या हो जाएगी कजन सिस्टर मेरी क्या हो जाएगी बेटा कजन सिस्टर क्या हो जाएगी बेटा कजन सिस्टर यानी आ, फुफेरी बहन हिंदी में क्या कहते हो तुम लोग फुफेरी बहन कहते हो ना कजन सिस्टर बिल्कुल सही परफेक्ट है क्लियर है

उसके साथ साथ मैं आप लोगों को डाइस कराऊंगा उसके साथ साथ मैं आपको क्लॉक भी करवाऊंगा उसके साथ साथ मैं कैलेंडर भी करवाऊंगा उसके साथ साथ मैं आप लोग को क्यूब का टॉपिक भी करवाऊंगा ये टॉपिक्स मैं आप लोग को अलग से करवाऊंगा ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोग को अलग से करवाऊंगा इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अब आ जाइए बताइए सभी लोग इसका क्या आंसर आएगा वाह मेरे शेरों जल्दी से शेयर कर दो सारे लोग चलिए देखिए आ जाइए टाइम अप दो से तीन तीन से छ से दस दस से सत्रह तो डिफरेंस पे करें सबसे पहले दो है तीन है छह है दस है सत्रह है अगला क्या आएगा तो आप लोग आंसर कर रहे हैं अट्ठाईस सोच लीजिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा जितेंद्र जय भीम बेटा जय भीम चलिए देखिए दो से तीन बोले तो एक जोड़ने से आएगा तीन से छह बोले तो तीन जोड़ने से आएगा ये देखो यहां पर देखा तो चार हो गया यहां पर देखा तो सात हो गया अब क्या दिख रहा है आप लोग को क्या दिख रहा है पिछले वाले नंबर को जोड़ रहे हैं ये देखो अगर एक प्लस तीन करें तो कितना हो रहा है चार ठीक है फिर तीन प्लस चार करें तो कितना हो रहा है सात फिर चार प्लस सात कर देंगे कितना हो जाएगा बेटा ग्यारह तो यहां ग्यारह ऐड करें अगर हम ग्यारह करते हैं सात और एक आठ और दो और, एक और एक दो अट्ठाइस आप सभी लोगों का आंसर मेरे ख्याल से आ रहा है वाह क्या बात है बहुत सही बेहतरीन आंसर आप लोग का आ रहा है बहुत सही बेहतरीन अब निकालो ये आया क्वेश्चन बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है ट्रिकी लॉजिकल देखता हूं कितने लोग इस लॉजिकल क्वेश्चन का रिस्पॉन्स बना पाते हैं देखता हूं कितने लोग इस लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर बना पाते हैं ठीक है जी बेटा देखता हूं जल्दी से चलिए बहुत सही सभी लोग सेशन को शेयर करते जाइएगा और लाइक करते जाइएगा जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से हाँ जी हां जय भीम हो गया हां बेटा कुंदन राहुल राज मुकेश बिल्कुल सही सारे लोग आ जाइए देवदीन हाँ बेटा प्रिंस कुमार निशा बिल्कुल सारे लोग आएंगे सी आंसर आ रहा है बेटा ऋतिक राय चलो देखते हैं ऋतिक राय ने सी आंसर बोला है फोर डी आंसर भी आ रहा है आप सभी लोगों का चलिए देखते हैं हां बेटा चैप्टर वाइज कल से आज पहले आप पेपर जान लो एम का पेपर कैसा आया था और कल से हम टॉपिक वाइज ले लेंगे पक्का श्योर कल से हम टॉपिक वाइज ले लेंगे

तो सात छंग कितना हो जाएगा बेटा बयालीस हो जाएगा बयालीस बटे दो कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा इक्कीस आ जाएगा कितना आ जाएगा देखो इक्कीस आ जाएगा आ रहा ना बीच वाला ऐसी देखो सात छंग बयालीस तो सात गुणी छे बटे दो तो दो तियाई छे ऐसे भी काट दो सात इक्कीस आना चाहिए यहां इक्कीस आना चाहिए यहां पर क्या चाहिए आना चाहिए बेटा इक्कीस आना चाहिए ठीक है अब यहां आ जाओ क्या हो गया हाँ, यहां पर इक्कीस आएगा ठीक है आगे देखो इस वाले में देखो पंजे तो पांच गुणे छो तो कितना हो जाएगा ये आएगा इसका मतलब सी आंसर गलत है आपका आंसर क्या आ जाएगा डी वाला आंसर आ रहा है सभी लोग का जी बिल्कुल सही जितने सबने आंसर डी बोला है उन सबने सही आंसर किया शिवम कुमार बिल्कुल सही है मुस्कान सिंह बिल्कुल आंसर सही है देवदीन बेटा बिल्कुल सबका आंसर सही आ रहा है चलिए अब निकालो कितने त्रिभुज हैं निकालिए है सारे लोग और शेयर करके अपने सारे फ्रेंड्स के पास इस क्लास को पहुंचा दो जिससे उन्हें पता चल सके कि एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कराई जा चुकी हैं और स्टार्ट हो चुकी हैं बेटा जी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं सारे लोग के लिए स्टार्ट करा दी गई है जी बेटा जल्दी से आ जाइए और आंसर निकाल के बता दीजिए क्या आंसर बनेगा जल्दी से बताएंगे डी 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 हां सर मैं ओबीसी महाराष्ट्र से हूं बेटा आप कहीं से भी हो एसएससी एमटीएस का फॉर्म आप भर सकते हो आपको पूरा रिजर्वेशन मिलेगा चलिए ग्यारह आंसर आ रहा है पक्का ओके ओके सी आंसर आ रहा है कपिल कुमार का कपिल कुमार सी आंसर कर रहे हैं कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं ओके एट आंसर आ रहा है यशपाल का एट आंसर आ रहा है यशपाल का आपसे पूछा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं यानी आपको निकाल के बताना है ट्रायंगल्स कितने हैं आपने सही निकाल लिया तो बेहतरीन हो जाएगा चलिए देखते हैं इसको तो देखिए अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो आपको साफ साफ जो चीजें दिखाई दे रही होंगी वो देखो यहां से देखो एक एक दो और तीन तो ये दिख ही रहा है मुझे नहीं लगता है इन तीनों में कहीं से कोई समस्या आ रही होगी एट आंसर आने लगा तीन के बाद देखो ये देखो चार पांच और ये देखो छ हो गए अब बताओ एक पूरा का पूरा अगर हम ले लें तो ये वाला हो जाएगा सात और ये वाला हो जाएगा आठ। तो आंसर आएगा इलेवन और टेन लोग गलत आंसर कर रहे हैं आपका आंसर क्या है बेटा एट आंसर है मतलब तीन इससे बना और एक बाहर वाला पूरा बड़ा वाला तो चार और चार से मंदर से बनेगा तो आठ आंसर आएगा डी बिल्कुल सही अब बताओ इसको निकाल के जल्दी से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से इस क्वेश्चन को निकालकर बताइए क्या आंसर बनेगा बहुत सही क्या बात है यस यस यस, यस सिंह राज हाँ, राज रॉय मिस काजल रॉय पूनम प्रदीप रानी प्रिंस अनिल रोशनी शिवम राज बहुत सही सब आंसर परफेक्ट कर रहे हो आप लोग चले यहां देखिए 25 आएगा देखो क्या दिख रहा है कि हमें 55 से हमें 55 से क्या बनाना था बेटा 11 बनाना था इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या करें इसको 5 से डिवाइड कर दें इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये देखो सेम ऐसे ही 125 को भी हम किससे डिवाइड कर दें 5 से तो पांच दुनी 10 हो जाएगा और पांच पच्चम पच्चीस हो जाएगा ऐसे देखें तो आपका आंसर ट्वेंटी फाइव आ जाएगा आपका आंसर क्या जाएगा 25 आ जाएगा बेटा ट्वेंटी फाइव आ जाएगा निकालिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बहुत सही पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस और पंद्रह पंजे पिचहत्तर या ग्यारह पंजे पचपन क्लियर है बिल्कुल सही था चलिए अब बताओ वोमेन है गायन गाइकोनोलॉजिस्ट है और डॉक्टर है स्त्री रोग विशेषज्ञ गाइनो डॉक्टर जिसे कहते हैं ना गाइनो होती है हमारे यहां पे जी अब बताओ महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर कितने लोग इसका आंसर परफेक्ट बताते हैं मैं उसी का वेट कर रहा हूं सी अब सोच लो बेटा यहां किस तरीके से रिलेट करना है उसको आप जान लीजिए क्योंकि मेन यहां पर रिलेशन का खेल है मेन यहां पर किस चीज का खेल है बेटा रिलेशन का अगर आपने सही से रिलेट किया सही से रिलेशन बनाया तो आप बढ़िया आंसर बना सकते हैं यहां पर जी <coughs> जी बेटा कुछ लोग बी आंसर बता रहे हैं लेट्स सी चलो कुछ ने आंसर बी बोला है और अमरजीत कुमार ए बता रहे हैं और बताइए ए ए आंसर ज्योति कुमारी भी A बता रही हैं देखो ए और बी और कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे प्रांजल और बाकी लोग भी हैं कुछ लोग आप लोग का कुछ आंसर डी भी कर रहे हैं अब मैं एक्सप्लेन करता हूं देखो कैसे होता है एक सिंपल सी मुझे एक बात आप सब बताएंगे आप सब लोग बताएंगे जितने भी हमारे डॉक्टर होते हैं गाइनोलॉजिस्ट जितने भी हमारे होते हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं वो डॉक्टर ही तो होते हैं ना तो जितनी भी हमारी गायनो होंगी वो सारी की सारी डॉक्टर के अंदर आएंगी इस बात को तो आप लोग पूरी तरीके से मान रहे हो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कोई दो राय नहीं है अब आपसे पूछता है क्या महिलाएं तो एक बात बताओ क्या सारी महिलाएं डॉक्टर होंगी इस बात की श्योरिटी है नहीं ना कुछ महिलाएं डॉक्टर होंगी और कुछ आ, महिलाएं जो है वो गाइकोनोलॉजिस्ट होंगी यानी गाइनो की डॉक्टर होंगी सारी की सारी गाइनोलॉजिस्ट नहीं होंगी सारी की सारी गाइनोलॉजिस्ट नहीं होंगी इसका मतलब यहां पर वुमेन को इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा यानी कुछ महिलाएं क्या हो गई गाइनोलॉजिस्ट हो गई और कुछ डॉक्टर क्या हो गई गाइनोलॉजिस्ट हो गई क्योंकि कुछ मेल भी तो डॉक्टर हैं और कुछ मेल भी तो आपके ऐसे बनेंगे वाह बिल्कुल सही हरिपाल बिल्कुल विवेक प्रियंका कार्तिक सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर निकालना क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक लुप्त पद के साथ एक श्रृंखला दी गई है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा देख लो लेटर नंबर थ्री से दो से तीन क्वेश्चन बोले थे ना ये देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं आप सभी साथियों ने सेशन को अभी लाइक नहीं किया हां सोनम मोजा बेटा राधे राधे काजल शर्मा नवजीत नेहा यादव मनी शर्मा ऑल ट्रिक्स बाई हां नवजीत प्रियंका बहुत सही चलिए देखते हैं क्या आ रहा है हा सेवन लेटर्स है देखो मैं एक बात बताऊं कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जिसको आप सोच नहीं पाते हो जैसे अगर इसमें आप देखिए इसमें आप लोगों को देखने के बाद आपके दिमाग में बताओ क्या बात आई होगी मैं आपको बताता हूं सी के बाद डी अरे यार डी के बाद तो एस बन ही नहीं रहा है सबसे पहले यही बात आई होगी ना कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बात आई थी बताना सारे लोग कमेंट करके लेकिन यहां ये खेल ही नहीं था तो, भी तो कहते हैं आपको हर लॉजिक तक पहुंचना पड़ेगा अपने आप में तो देखो इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में केवल मैं आपको बताऊं तो आपका स्किल टेस्ट हो रहा था कितना आप सोच सकते हो तो देखो यहां तीन अक्षर हैं स्पेलिंग में यहां चार अक्षर हैं स्पेलिंग में यहां पांच अक्षर हैं यहां छह अक्षर हैं अब हमें अगली स्पेलिंग चाहिए सात लेटर वाली सेवन लेटर की तो देखो ये तो होगा नहीं एक दो तीन चार पांच छह सात एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हो गया इसका मतलब है आपका आंसर सी हो जाएगा हां बिल्कुल सही फॉर्मूला बिल्कुल सही काउंट करना था लेटर को और आंसर बनाना था चलिए अब आ जाओ तो अगला क्वेश्चन अब ये है बढ़िया क्वेश्चन कहते हैं ना हर क्वेश्चन के बाद एक आप पेपर में बढ़िया क्वेश्चन भी दिया जाता है तो ये इस पेपर का बढ़िया वाला क्वेश्चन है निकालिए बेटा जल्दी से जल्दी से लेकिन मैं एक बात बताऊं क्वेश्चन बहुत आसान है क्वेश्चन सच में बहुत आसान है अगर आपने थोड़ा सा इस पर दिमाग लगा लिया लॉजिक बना ले गए तो क्वेश्चन सच में बहुत आसान है शिवम बेटा ऋतिक राय पटेल बेटा कुंदन बिल्कुल सही ऋषभ हाँ जी सौरभ कुमार हेलो बेटा हेलो हेलो शिवम कुमार आकांक्षा हां साधना बिल्कुल सही सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं विशाल सी आंसर सीधा अब इसका बताओ इसका कितना आएगा फिफ्टीन बाई फोर फिफ्टीन बाई फोर एक आंसर आया ओके बाकी लोग बताइए नाइन आंसर बता रहे हैं कुछ लोग और बताइए हम्म ओके चलिए सभी लोग इसी बात पे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए इसे आज आप लोग वन के पहुंचा दीजिए शेयर कर दीजिए सभी लोग इसे वन के पहुंचा दीजिए शेयर करके सारे लोग सभी साथियों से अनुरोध रहेगा आप सभी लोग एक बार अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दें जिससे वन के लाइव वॉचिंग यहां पर हो सके और लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक ए और डी चलो देखते हैं मेजोरिटी या तो ए के साथ जाना चाह रही है और या तो डी के साथ लॉजिक बताऊं इतना छोटा सा क्वेश्चन है ना जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को हंसी आएगी अपने ऊपर हंसी आएगी आप को अपने ऊपर तो देखिएगा हंसना नहीं है आप लोको, आप को को चीजें बढ़िया करनी है अब यहां पर देखो ये है वन ये है वन फाइव अब यहां पर देखो ये नाइन पॉइंट नाइन बाई फोर लिखा है इसको क्या करा जाए इसको अगर हम सॉल्व कर लें ये देखो का मतलब सॉल्व कर लो डिवाइड कर लो तो ये कितना हो जाएगा ये देखो वन पॉइंट फाइव के बाद नाइन को करेंगे तो टू पॉइंट टू फाइव हो जाएगा ना फिर अगला देखो कितना है थ्री है फिर देखो अगला क्या आएगा यही तो पूछा गया आपसे अगला क्या बनेगा आपसे यही तो पूछा गया है तो अगर आप गौर से देखो तो इससे इस तक जाने में किया है. इससे इस तक थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट बनाने के लिए एक बार पॉइंट में लिखा एक बार फ्रैक्शन में लिखा फिर एक बार पॉइंट में लिखा एक बार फ्रैक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ लेकिन अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव आएगा किसको सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे जब एक क्वेश्चन को, को पंद्रह बटे चार को ये देखो पंद्रह बटे चार करोगे तो चार तिहाई कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा तीन आ जाएगा उसके बाद अगर हम बात करें देखो तो पॉइंट लगाएंगे यहां पर फिर इसके सात चौके 28 हो जाएगा फिर कितना बचेगा 20 हो जाएगा और सात ये हो जाएगा 20 इस तरीके से तो 3.75 किस वाले से बन रहा है ऑप्शन नंबर ए तो डी वालों आप लोग गलत हो गए अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए ना ये और कंफ्यूजन बस यहां पर उस वैल्यू को फ्रैक्शन में बनाने से हुआ बाकी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं था अच्छा ठीक है, देखो बेटा आप लोग की पहली चीज मैं आप लोग को बता दूं हां जी देखो सर आए सब कुछ बताना चाह रहे हैं जी हेलो दोस्तों मेरे भाई यार एक बार देखो आज आपका स्टार्ट हो गया है और यार थोड़ा इतने लाइव का मतलब मैं सोच नहीं रहा था कम से कम सोच रहा था पांच हजार तो कम से कम सर दोस्त आएंगे अभी ठीक है यार अच्छा है दो तीन हजार चल रहे अच्छा बात है अभी भी यार कम से पांच हजार चलने चाहिए <coughs> जैसे मैं कमेंट देख पा रहा था कि सर आज की दो बजे वाली क्लास क्यों नहीं हो रही है जो दो बजे क्लास थी अब सर की क्लास होगी डेली कंटिन्यू और मेरी जो मैथ्स की क्लास है वो चार बजे होगी आज भी चार बजे होगी जो कि हमारा एम का एक नया अच्छा क्लास नहीं होगा क्या मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे मेरे दोस्त ऐसा नहीं है मेरे भाई और मेरी बहनाओ शाम को चार बजे आज मिलेंगे और आराम से एंजॉय करें रीजनिंग की क्लास में और शाम को चार बजे फिर मिलते हैं आपके साथ तो ठीक है ना ऐसा मत सोचना क्यों नहीं हो रही है मैं इसलिए बार बार मैसेज देख रहा था होगी भी ठीक है आपके सपनों को नहीं तोड़ सकते है ना क्यों यार अब मेहनत कर लो सामने खड़ी मंजिल इंगज से मैं बुलाती है और मेहनत करने वालों के माथे पे तिलक लगाती है जितना इंपोर्टेंट मैथामेटिक्स है उतना ही इंपोर्टेंट रीजनिंग है इस बात को अपने दिमाग में रख लेना और सर रीजनिंग के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप भी बताना कि एस एस सी में अगर आपको अपने नंबर ज्यादा करने जी अपने आपको मेरिट में लाना है स्कोर ज्यादा लाना है तो रीजनिंग को पूरे नंबर लाने वैसे के पूरे, करना है में हाँ। से रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग भी होता है फिर साथ में जो आप कंफ्यूज होते हो वो यहाँ पे आप अच्छे से सर बता रहे तो एक बार ना यार वीडियो को मेरे कहने से फटाफट से वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर मार दे हाँ चार बजे होगी बस आप करते रहे ठीक है भाई है ना यार शेयर मार दे जितने हमारे दोस्त देख रहे हैं ठीक है सर चल ओके सर थैंक यू चलिए देखिएगा यहाँ पर अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बताना है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं होंगी यानी जैसा पेयर आपका यहाँ पर बन रहा है सेम वैसा ही पेयर आपको बनाकर बताना है किस ऑप्शन में बनेगा जी बेटा हाँ कपिल बेटा लव यू टू बेटा और कुछ कपिल बेटा लव यू टू और कुछ बोलना है तो मैं भी बोल सकता हूं चलिए यहां पर देखते हैं बेटा यहां देखो तो सिक्स है फोर्टीन है और थर्टी वन है क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि छह दुनी बारह और प्लस दो कर दे कितना हो जाएगा चौदह हो जाएगा फोर्टीन बन जाएगा ऐसे ही क्या हम ये बोल सकते हैं चौदह दुना अट्ठाईस और तीन कर देंगे तो इकतीस हो जाएगा बन रहा है ना बन रहा है ना तो ऐसे ही देख लो अब किस ऑप्शन में बन रहा है क्या सात दुनी चौदह नहीं बनेगा तीन दुनी छ प्लस एक होगा नहीं बनेगा चार दुनी आठ और प्लस दो तो चार दुनी आठ और प्लस दो कर देंगे तो दस हो जाएगा फिर दस दुना बीस नहीं लिख हाँ दस दुना बीस और प्लस तीन कर देंगे तो तेईस हो जाएगा ये देखो लेकिन इस वाले में देखो तो चार दुनी आठ और चार बारह हो रहा है ये गलत हो गया आपका आंसर क्या बन जाएगा डी वाह क्या बात है आप सब लोग के लिए एक बार मेरी तरफ से ढेर सारी तालियां आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर बताया बढ़िया लॉजिक के साथ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ इस इस वाले टॉपिक को हम ना वर्ड प्रॉब्लम में रखते हैं किस में रखते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम में रखते हैं देखिए बोला दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है ये खेल है पूरा कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा चलो इसी बात पे आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो मेरे दोस्तों जल्दी से मेरे दोस्तों सेशन को शेयर करेंगे <laughs> तो हां बेटा लव यू लव यू कर सकते हैं क्या दिक्कत है देखो एक मैं बात बताऊं मतलब ये इसे यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेना जैसे क्या है ना कि अभी हम लोग अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करें ना कि किसी और चीज को हम लक्ष्य के पीछे जितना जाएंगे इस बात की गारंटी है कि आपके पीछे आपके लक्ष्य आएंगे यानी सोना बाबू की लाइन लग जाएगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो समझ गए चलिए देखते हैं तो देखो डी आई सी तो डी आई सी ई -E अवेलेबल ही नहीं है इस पूरे शब्द में इसलिए आंसर ए हो जाएगा चलो अगले क्वेश्चन पे अब बताओ आउटलाइन को यदि आउटलाउन को, को, कोडिंग टू कोडिंग दो क्वेश्चन बोला था होंगे दो क्वेश्चन आउटलाइन को ओ यू टी एल आई एन ई आउटलाइन आउटलाइन को देखो क्या बोला है बेटा क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू वी एन क्यू डब्ल्यू वी एन के पी और जी तो आपसे क्या पूछा है मैन को क्या कहा जाएगा हाँ कृपया आप सभी लोग एक अनुरोध रहेगा आप सब लोग सेशन में अपने लॉजिक को भी कमेंट किया करें ताकि ये पता तो चले कि आप एग्जामिनर के लॉजिक तक मेरे लॉजिक तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं तो इधर देखिएगा बेटा तो पंद्रह से सत्रह दो जोड़ा इक्कीस से तेईस बीस से बाईस बारह से चौदह और कल तैयार रहना भाई साहब धुआं धुआं धुआ करने के लिए टॉपिक से कल धुआं धुआं करने के लिए टॉपिक वाइज तैयार रहना कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक से हम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे ऐसे अब यहां देखो तो प्लस दो प्लस दो और प्लस दो तो तेरह और दो पंद्रह बोले तो ओ ये रहा ओ पी क्यू ओ पी क्यू आई ओ, ओ ओ सी क्यू ओ सी पी दिस वन सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है चलो अब बताओ ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन जो अभी पीछे बता रहा था ना मैं आपको लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन में आजकल एक खेल यहां पर भी होने लगा है मैं आपको बताऊ लेटेस्ट खेल क्या है जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी बाद में कि किस वाले में नहीं फॉलो करेगा किस वाले से समीकरण नहीं बनेगा वो निकालो ओ भाई साहब मतलब समझ रहे हो यानी आपको चेक करना होगा उसके बाद बताना होगा कौन सा वाला नहीं बन रहा है ये एक बड़ा टफ टास्क हो जाएगा हमारे लिए ठीक है चलिए देखिए और बताइए थर्ड ऑप्शन जय श्री कृष्णा बेटाम पटेल हाँ मोहित कमांडो चलो चलो बिल्कुल 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 कल से चैप्टर वाइज होगा पक्का है श्योर है बिल्कुल इधर देखिए तो जब हम इसकी बात करते हैं बेटा सॉल्व करने की तो देखो प्लस को हाँ बोला है ना प्लस रिप्रेजेंट क्रॉस प्लस की जगह क्या रखेंगे बेटा क्रॉस रखेंगे ठीक है उसके बाद क्या बोला है बेटा प्लस क्रॉस को माइनस प्लस को माइनस जगह क्या रखेंगे बेटा प्लस क्रॉस डिवाइड को क्रॉस की जगह क्या रखेंगे डिवाइड और डिवाइड जगह क्या रखेंगे बेटा माइनस को ये रहा अब सॉल्व कर दो तो देखो ये देखो यहां पर देखो सॉल्व कर दो पांच से पंद्रह ये हो जाएगा डेढ़ सौ माइनस ये देखो पांच से काटेंगे तो कितना हो जाएगा पच्चीस पच्चीस पंजे एक और प्लस पच्चीस ये हो जाएगा तो अब ध्यान से देखो तो ये ये कट जाएगा तो 150 आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा सी वाला क्या बन जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा चलिए अब बताओ ट्रिकी क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में लॉजिक भी आप सब लोग कमेंट करेंगे आप सब लोग अपने लॉजिक भी कमेंट करिएगा बीस सेकेंड का आपका जो टाइमर था वो स्टार्ट कर दिया गया है और स्टार्ट है वो जल्दी से निकालिए और बताइए इसे तुरंत शेयर करो सेवन हंड्रेड क्रॉस कराना है आप सभी लोग को एक बार सब लोग मिलकर शेयर कर दीजिए सेवन हंड्रेड लाइक सेवन हंड्रेड लाइव दोनों क्रॉस हो जाएगा एक सेकंड में अगले सेकंड में सेवन हंड्रेड क्रॉस हो जाएगा अगर आप सब लोग अपने सारी जगहों पर शेयर कर देंगे बहुत सही हंड्रेड एंड फिफ्टी तो हो गया इसको निकालो क्या बनेगा इसका लॉजिक हाजी जी 38 संदीप अं, हाँ बेटा धीरज रोहित पूनम बिल्कुल 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 अड़तीस है 38 के साथ जाना चाह रहे हैं आप लोग जल्दी से देख लो 38 चलो देखते हैं आप. अब क्या लॉजिक है समझिएगा छब्बीस है चौदह है और 80 लाना है अगर बेटा इस 26 और इस अब देखो हमें इस हैस का क्या करना है यही तो हमें पता लगाना है हमें इस हैस की जगह पर कौन सी चीज इस्तेमाल करनी होगी हमें उसी के बारे में पता लगाना है तो अगर हम इस हैस को प्लस से कन्वर्ट कर दें अगर हम इस हैस को किससे कन्वर्ट कर दें बेटा प्लस से कन्वर्ट कर दें तो देखो चौबीस छब्बीस और चौदह कितना हो जाएगा बेटा चालीस और गुणे दो कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा अस्सी यानी इस हैस को हमें किससे रिप्लेस करना होगा प्लस से रिप्लेस करना होगा तो पांच और प्लस तीन कर देंगे पांच और तीन करके दो से गुणा कर देंगे तो देखो पांच इतना ही पंद्रह और दुना तीस बिल्कुल सही पंद्रह दुना तीस है ठीक है और अगली आप लोग को पता है ना किसकी क्लास होनी है बेटा तो अगली क्लास आप लोग की इंग्लिश की होनी है और देखो मैम आ गई है दो मिनट मैम से ही बात कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से जी मैम हेलो बच्चे कैसे हैं आप सब आई होप कि रीजनिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा होगा आपका बट मैं आपको ये कहने आई हूँ कि भाई तीन बजे मेरी क्लास है जैसे ही सर क्लास छोड़ेंगे आपको कहीं जाना नहीं है तीन बजे से मेरी क्लास होगी और बहुत बढ़िया सवालों के साथ हम आज अपनी पहली क्लास की शुरुआत करेंगे ठीक है लीजिए सर बिल्कुल क्लास कंटिन्यू हाँ ठीक है।, है ना ठीक है तो देखो लॉजिक हम लोगों ने ढूंढ लिया था कि हम हैस को किससे रिप्लेस कर रहे थे बेटा हम हैस को रिप्लेस कर रहे थे प्लस से हैस को किससे रिप्लेस कर रहे थे बेटा तो हैस को रिप्लेस कर रहे थे प्लस से हो गया ये अब यहां पर देख लो तो चौदह पांच उन्नीस दुना कितना हो जाएगा अड़तीस और परफेक्ट आंसर आप लोग का अब निकालो अगला और बेहतरीन सा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी लॉजिक बनाना है आपको एक सौ सत्रह अट्ठाईस एक सौ पैंतालीस बताओ जल्दी से क्या बनेगा बहुत सही क्या बात है आप सब लोगों ने बस सेवन हंड्रेड क्रॉस कराने में पूरी मदद कर दी है बस एक झटका और सेवन हंड्रेड क्रॉस फिर ये एट हंड्रेड के टारगेट पे हम लोग चलेंगे जी बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर बनेगा निकालो निकालो मैं एक बात बताऊं हिंट करूं बहुत आसान है सेवेंटी सिक्स आंसर आ रहा है ओनली फॉर लाइफ सेवेंटी सिक्स और बताइए जल्दी से हाँ जी जी सेवेंटी सिक्स फोर डबल थ्री ओके सेवेंटी सिक्स मेजोरिटी वाह क्या बात है मतलब लगता है सबने लॉजिक पकड़ लिया अच्छा क्वेश्चन है ना देखो अगर हम लोग गौर से देखें सबसे पहले हमें ना क्वेश्चन में बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए हमारे को यह देखना चाहिए कि हम कॉलम uh, से चल सकते हैं कि रो से पहले हमारे को यही करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में तो हम लोगों ने कॉलम से देखने की कोशिश की जब हमने 117 और 128 को जोड़ा तो हमारा देखो 145 बनने लगा 145 क्या हो गया बनने लगा यानी 117 और प्लस 28 बराबर 145 ही हो जाएगा ठीक है तो ऐसे ही बोला है आपसे पैंतीस और प्लस कितना रखें पैतीस और प्लस कितना रखेंगे कि तो एक सौ ग्यारह में से अगर हम एक्स कर लें एक सौ ग्यारह माइनस पैंतीस कर देंगे तो देखो ग्यारह में से पांच गया तो हो हो जाएगा देखो जाएगा ना अब उसके कितना होगा में से 3 गया उसका सेवनटी सिक्स क्या बात है सबने ऐसा सही किया चलो अब आओ ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं करना कमेंट तो आप लोग मैं देखूं आज हाँ बेटा मुस्कान प्रांजल सनोज संजय रोशनी हाँ बिल्कुल रवि वर्मा सारे लोग बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर कर रहे हैं सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा अभी जिनने, जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है और तुरंत बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलर ये क्लासेस मिल सके आपको ठीक है और बेटा मेरी ना मेरी क्लासेस दो क्लासेस आप लोग के लिए हैं जो आप लोग रेगुलर फॉलो करते हो तो आप एक बार टॉपिक और एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ये दोपहर दो, दो बजे की आपकी ये क्लास डेली होगी और एक रात दस बजे मेरी क्लास होती है आप इन दो क्लासेस को अगर जोड़ते हैं अपने आप में करते हैं तो आप अपने आप में एक महीने के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखेंगे पक्का तो मेरी ये दो क्लासेस आपकी एस एस सी फोर सेवन यूट्यूब चैनल पर होती है बी आंसर है चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इन्हें काउंट करना होता है गिनने का बिल्कुल तरीका अच्छा सा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस अब देखो बेटा बीस होने का मतलब या तो हम चार चार के पांच पेयर बनाए यानी चार चार अक्षरों का पांच पेयर बना ले और या तो पांच पांच अक्षरों का चार पेयर बना ले देखो हम पेयर क्यों बनाते हैं उसका कारण समझना पेयर बनाने से ना हमें हर पेयर का पहला और आखिरी अक्षर पता चलने लगता है और उसके बाद हम क्वेश्चन को बना सकते हैं तो देखो यहां पर एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच हम हमेशा पहले बड़े पेयर पे काम करते हैं एक दो तीन चार पांच और ये रहा यहां तक की बात समझ में आई अब अगर आप इसी को गौर से देखो अगर अब आप इसी को गौर से देखने की कोशिश करो तो आपको देखो आंसर देखने लगा होगा क्या अब आप देखो तो हर अक्षर हर वाले पेयर की शुरुआत जो है हर पेयर की जो शुरुआत है देखो अंत एन से एन से तो यहां भी एन होगा और यहां एन है शुरुआत देखो पी से इसका मतलब हमने पेयर बिल्कुल परफेक्ट बनाया जब आपके शुरू और अंत के अक्षर मिलने लगे ना इससे पता चलता है कि आपका पेयर बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया तो आपकी जो सीरीज चल रही है पी आर क्यू बी एन तो पी आर क्यू बी एन पी आर क्यू बी एन पी आर क्यू बी एन ये रहा आपका आंसर है क्यू पी बी क्यू पी बी क्यू पी बी आर एन आर एन आर बी QPB बी आर एन आर बी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्या आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है वाह देखा ये है बेस्ट टेक्निक बेस्ट टेक्टिक जो आपको सीखना होता है अब बताओ निकालिए एजुकेटर को अगर ये कहा गया है तो एस एस सी अड्डा को क्या कहा जाएगा जल्दी से निकाल के बताओ सभी लोग इसको सॉल्व करिए तो और बताइए क्या आंसर बनेगा बहुत सही देखो अच्छा क्वेश्चन आप लोग किल लाए मैं जी निकालो तो देखता हूं कितने लोग निकाल पाते हैं जी बेटा सभी लोग शेयर जरूर करते जाइएगा कॉन्सेप्ट का क्लास बेटा कल से यही दो बजे का क्लास आपका कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा आप बिल्कुल निश्चिंत रहे <coughs> चलो देखो अब यहां पर बोला है आपसे ई डी यू सी ए टी ओ आर एजुकेटर को क्या बोला है बेटा वी डब्ल्यू एफ एक्स जेड जी एल आई आपसे पूछा है एस एस सी अड्डा देखो कोडिंग डी कोडिंग का दूसरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था ये दूसरा क्वेश्चन हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं आप सारे लोग देखो इसके बाद में आपको बताऊं तो अगली जो वेकेंसी आएगी वो फेज नाइन की आएगी उसकी अगली जो आएगी आ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की आएगी ड्राइवर वाली तो सारे लोग के लिए सही है तो ये सारे के सारे देखो बेटा ई e का अपोजिट वी डी का डब्ल्यू यू का एफ सी का एक्स ए का जेड जी का टी एल का ओ और आर का I, ये सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं बेटा अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं क्या लिखे हुए हैं बेटा अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं आपके ठीक है ना तो चलो अब देख लो यहां पर पूछा है तो एस का अपोजिट एच एस का अपोजिट एस सी का एक्स ए का जेड डी का डब्ल्यू डी का डब्ल्यू और ए का जेड ये रहा एच एच एक्स जेड आ, फिर X Z एच एच एक्स जेड डब्ल्यू डब्ल्यू जेड ऑप्शन नंबर सी आंसर बन रहा है डी कैसे आएगा बेटा दो बार ऐसे है ना S S है तो एच एच आएगा तो डी आंसर तो बिल्कुल ही गलत है सी आंसर वाले लोग सही हैं डी वाले बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं अब निकालिए इस क्वेश्चन का देखो नॉन वर्बल रीजनिंग में लिखा हुआ था ना पेपर फोल्डिंग कटिंग एम्बेडेड फिगर ये सारा तो ये वो सारे हैं बताइए जल्दी से बिल्कुल सही अपोजिट था बिल्कुल सही हां सपना सिंह सबका आंसर सही था इधर देखिए अब आपको बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है यानी ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है आपको निकालना है घुमाने की अनुमति नहीं इसका मतलब आप ऑप्शन को ढूंढते हुए इस इमेज को घुमा नहीं सकते आप ऑप्शन को ढूंढते हुए तो इस इमेज को घुमा नहीं सकते तो देखो इसमें सीधा सीधा यहां नहीं दिख रहा है क्या नहीं अब इसमें ये देखो जैसे ये लिया ये हो गया ये होके ये ऐसे बोल सकते हैं देन ये और आपका लेकिन ये वाली लाइन यहां बड़ी नहीं है तो ये तो गलत हो गया इस वाले पे आओ लेकिन ये स्ट्रक्चर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ये देखो यहां पर दिस वन ये ये इससे आगे ना तो सी वाला ज्यादा परफेक्ट है बेटा एज कंपेयर टू एनी अदर ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा सी बी वाला गलत है बेटा बी वाले में क्यों गलती है उसका कारण बताऊं मैं जैसे ये तो चलो मिल गया लेकिन ये यहां बी से जाना चाहिए था नहीं बना इसलिए बी वाला गलत है सी डी भी गलत है आप लोगों में से कई लोग डी कह रहे हैं बेटा देखो डी वाले में ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बन रहा है ये देखो इसलिए डी वाला भी गलत है अब निकालिए अठारवा क्वेश्चन जल्दी से निकालो हम लोग को पूरे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करने हैं बेटा सारे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करने हैं यहां पे और सारे बच्चे कमेंट कर नहीं रहे हैं आंसर को एक एक बच्चे का कमेंट यहां आना चाहिए यहां पर 700 बच्चों के कमेंट्स आते रहने चाहिए आंसर में फटाफट फटाफट फटा 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 700 बच्चों के कमेंट्स बनने चाहिए और अब तक तो मुझे लगता है कि 700 से अब लाइक होने चाहिए थे और शेयर भी होने चाहिए थे और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार अगर चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन कर प्रेस कर लीजिए चलिए बोला शब्दों को शब्द के अनुसार यानी डिक्शनरी ऑर्डर देखो पहला अक्षर जो एल है उससे तो आप पता नहीं कर सकते उसको काट दो ये बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूं कटपीट करने वाला उसका देखो दूसरा अक्षर आई है अभी भी आप नहीं बता सकते कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा वर्ड बाद में आएगा यानी आपके लिए पता लगाना थोड़ा मुश्किल है आगे चलो फिर तीसरा अक्षर है एम 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 अभी भी नहीं बता सकते अब चौथा अक्षर ई बी आई पी पी बी आई पी पी ये बोला है तो पहले ई e आएगा बी आएगा आई आएगा या पी आएगा तो सबसे पहले बी आएगा यानी तीन नंबर पहले आएगा उसके बाद B के बाद E आएगा यानी एक नंबर आएगा उसके बाद I आएगा उसके बाद पांच तो 315 देखो किस ऑप्शन में है किस ऑप्शन में है तो इन दो ऑप्शन में आया अब यहां देखो यहां P पर स्पेलिंग ही खत्म है ना तो इसका मतलब जहां स्पेलिंग खत्म हो गई वो पहले मिलेगी डिक्शनरी में तो फिर दो नंबर और फिर चार नंबर तो यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। और एक बात हर चाहिए अगला क्वेश्चन आ गया टेबल है वुड है चेयर है जल्दी से निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा बहुत सही सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए सारे लोग जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक या शेयर नहीं किया है जल्दी से हाँ सरोज हाँ बेटा बिल्कुल पूनम बिल्कुल सही जेपी बिल्कुल सही हरी पटेल बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग परफेक्ट देखो अच्छा यहां पर आप क्या बता रहे हैं बी ए आंसर कुछ लोग ओके okay. तो आप लोगों में से कुछ लोग का ये कहना है कि सर वुड को ऐसे कर दीजिए वुड को ऐसे कर दीजिए और एक तरफ आप बना दीजिए टेबल और एक तरफ आप बना दीजिए चेयर आप लोगों में से जो लोग ऐसा बता रहे हैं उनके लिए बात करूंगा मैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर सारी की सारी जो टेबल है वो लकड़ी से बनी है और सारी की सारी जो चेयर है वो लकड़ी से बनी है अरे अकल के दुश्मनों ऐसे कैसे हो जाएगा आपके घर में घर में में से कई लोग लोहे वाली कुर्सी होगी तो इसका मतलब ऐसा होगा वुड को रखो बीच में एक तरफ रखो चेयर क्योंकि चेयर का टेबल से तो कोई लेना देना है ही नहीं और एक तरफ रखो टेबल एक तरफ रखो टेबल एक तरफ रखो टेबल इसका मतलब वुड में एक तरफ टेबल और वुड में एक तरफ चेयर आ रहा समझ में तो देखो यहां पर इस चैप्टर में में अगर आप आप गलती करते हो इसका मतलब आप अपनी रियल लाइफ होने वाली चीजों से कोरिलेशन नहीं कर पा रहे तो जितने लोगों ने इसका आंसर बी बोला है जितने लोगों ने इसका आंसर बी बोला है उन लोगों को मैं पूरे नंबर देना चाहूंगा नहीं तो नेगेटिव कर लेना पॉइंट अब बताओ तो डाइस का क्वेश्चन सारे लोग निकाल के बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बहुत सही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आप सब लोग प्यार कर रहे हैं इतना थोड़ा सा एक बार और दम लगा दीजिए प्यार प्यार कर दीजिए बिल्कुल जी बेटा कल से आप सब लोग को पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा जी बेटा हाँ बिल्कुल आप लोग के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी कल से आप लोग को सारी क्लास की पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी ठीक है चलिए देखते हैं अब आपसे मैं यहां पर देखूं तो आपसे पूछा है स्टार के अपोजिट क्या होगा किसके अपोजिट पूछा बेटा स्टार तो स्टार देखो कहां पर है स्टार यहां है और कहीं पर है नहीं है अब देखो इसमें कॉमन क्या है तो सन कॉमन है तो सन के नीचे क्या लिख दो बेटा तो सन के नीचे क्या लिख दो सन के नीचे सन को लिखो और क्लॉकवाइज घुमाओ तो सन के बाद स्टार स्टार के बाद प्लूटो सन के बाद स्टार स्टार के बाद क्या आ जाएगा प्लूटो उसके बाद यहां देखो सन के बाद मून मून के बाद यम सन के बाद मून मून के बाद यम हाँ, अब देखो क्या किसके पूछा था स्टार तो स्टार के अपोजिट क्या आ गया बेटा मून आ गया ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन नंबर सी अब निकालो सिलोलिज्म क्या है न्याय निगमन कुत्ते बिल्ली वाले प्रश्न है ये ठीक है चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा सभी लोग इसका आंसर निकालिए बताइए क्या बनेगा परफेक्ट चलो देखो यहां पर यहां पर आपसे बोला है सम ट्रायंगल ट्रैंगल लाइन कुछ ट्रायंगल क्या है बेटा कुछ ट्रायंगल क्या है बेटा लाइन है अगला बोला कोई सर्किल लाइन नहीं है कोई सर्कल जो है वो लाइन नहीं है और अगला है सारी लाइन जो है वो क्वारेट्रल है सारे लाइन तो यहां पर हम ऐसा बना दें सारे लाइन या हम इसको ऐसा बना सकते थे कुछ ट्रायंगल क्या है लाइन है और सारे लाइन क्या है क्वारल है और कोई भी दिस वन कोई भी सर्किल ऐसे दोनों बना लो जो भी आपका आपकी इच्छा के ऊपर है दोनों सही है ठीक है चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सारे ट्रैंगल सर्कल हैं क्या सारे ट्रैंगल सर्कल हैं यहां पर सारे ट्रैंगल क्या सर्कल दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है सारे ट्रैंगल जो है वो सर्कल नहीं है सारे ट्रैंगल जो है वो सर्किल नहीं है आगे देखिए अगला बोला है सम क्वारल आर सर्किल कुछ क्वारल जो है कुछ क्वारल क्या है सर्किल है नहीं ये भी नहीं है और नो क्वाड्रेटरल आर सर्किल कोई भी क्वाड्रेटरल सर्किल नहीं है अब निकालो इसमें से बताओ आप लोग का आंसर आ रहा है सेकेंड एंड थर्ड फॉलो पक्का भाई साहब सोच लो दोबारा मौका नहीं मिलेगा जी दोबारा से मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को जी निकालिए हाँ सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आप खुद देखो ना इसमें सारी चीजें आपको देखो ये दोनों तो गलत होगा आपके सामने क्योंकि ट्रायंगल ये रहा सर्किल ये रहा तो ट्रायंगल ये रहा और सर्किल रहा इनका तो आपस में रिलेशन होगा ही नहीं ये वाली बात बिल्कुल गलत है ठीक है दूसरा देखो अगर हम लोग दूसरे की बात करें चलिए देखिए इसको आ जाओ अब थर्ड वाले पे आ जाओ यहां पर तो कोई भी क्वाड्रेटल जो है वो सर्किल नहीं है आपसे बोला है चलो यहां आ जाओ तो जब हम इसकी बात करते हैं इधर देखो या तो सेकेंड या थर्ड पे एक बार को हम बात कर सकते हैं लेकिन ये वाली बात भी गलत है अब यहां देखो ये रहा क्वाड्रेटल ये रहा सर्किल ये रहा क्वाड्रेटल ये रहा सर्किल ये रहा पॉजिटिव वाला और ये वाला नेगेटिव वाला तो आपका आंसर बन जाएगा या तो या तो या तो दूसरा और या तीसरा आपका आंसर क्या बन जाएगा डी वाला बन जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से फिर आपकी मैम की भी अगली क्लास होनी है जल्दी से आप लोग दो क्वेश्चन और हैं फिर अगला लास्ट होमवर्क दे दूंगा मैं जल्दी से देखिए इसको और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा फटाक से जी दो या तीन आंसर आइदर वाले में जाएगा हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल चलो यहां पर देखो हिडन फिगर है ये वाला किस ऑप्शन में है आपका तो देखो यहां पर जल्दी से क्या ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है यहां पर इस वाले पे आ जाओ देखो यहां पर इस तरीके से बन सकता है ना तो लास्ट ऑप्शन बनेगा ना किसी और ऑप्शन में बनेगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलो इसी क्वेश्चन को फिर हम लास्ट रख लेते हैं क्योंकि अगली भी क्लास होनी है ना मैम की तो आप सभी लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को एच डब्लू दो क्वेश्चन जो बचे मैं एच डब्ल्यू दे रहा हूं आप सब लोग उन सबके आंसर करिएगा इन तीनों ही क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में चाहिए आप लोगों से ठीक है ना तो आपके पेपर में जो आपके 25 फाइव क्वेश्चन आने थे संकल्प बैच आपका है, स्टार्ट करा दिया गया जो आप लोग को अड्डा ट्वेंटी फोर से उनकी एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा और आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा आप वहां पर परचेज कर लीजिए आज ही जाके जुड़ जाइए जिससे उसकी जो क्लासेस स्टार्ट हो जब तो आप सभी लोग को बिल्कुल जीरो से सारी चीजें वहां पर मिल सके और आपको कोड क्या यूज करना है वाई फोर सिक्स वन में एक सेकेंड आपको दिखा दे रहा हूं जी बेटा एक सेकंड में आप लोगों को दिखा दे रहा हूं आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की जब आप वेबसाइट ओपन करोगे जी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट ओपन करने के बाद यहां पर आप जाइए और यहां पर बस एस में जाके एमटीएस पे क्लिक कर दीजिएगा जैसे आप एम पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये बैच दिख रहा है ठीक है ना तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे आपके पास परचेज का ऑप्शन आएगा इस बाय पे जाने के बाद वाई फोर सिक्स वन कोड अप्लाई कर दीजिएगा क्या बेटा वाई फोर सिक्स वन वाई फोर सिक्स वन और इससे आप आराम से आज ही जुड़ जाइए बिना लेट किए हुए तो आपका ये कोर्स सेवन थर्टी फाइव का नहीं जब आप एप्लीकेशन से लोगे तो वहां पे आपको कॉइन्स भी मिलेंगे तो 20 या 25 फाइव कॉइंस के आसपास यहाँ और कम होगा ये बैच आपको 703 या चार रुपए में आपके एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा तो नेक्स्ट क्लास होनी है मैम की ठीक है तो मैम आप भी आ जाइए तो आप आ, जी बिल्कुल बस नेक्स्ट क्लास मेरी होने वाली है जैसे हैं आप वैसे के वैसे रहिए दो मिनट का पॉज लीजिए कुछ पानी पीजिए और दोबारा से फ्रेशन अप हो जाइए ठीक है ना सर की क्लास अब खत्म हो गई है और बस मेरी क्लास होने वाली है ठीक है, है। चलिए थैंक यू सो मच ठीक है ना तो चलिए सब लोग आ जाइए और जल्दी से आप सभी लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए आज ही जाके एम के संकल्प बैच को वाई ठीक है थैंक यू और कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा आप लोगों को ठीक है